रोजाना मांस खाने से क्या हो सकता है? यह मनोभ्रंश तंत्रिका संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। गठिया रोग, मीट में यूरिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया रोग जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा, चिकन को ज्यादा खाने की वजह से अल्जाइमर जैसी बीमारी के होने का खतरा भी हो सकता है। अंडा शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी? कई शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी समझकर नहीं खाते। उनका लॉजिक होता है कि चूंकि अंडे मुर्गी देती है इस कारण वो नॉनवेज है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो दूध भी जानवर से ही निकलता है तो वो शाकाहारी कैसे है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे से बच्चा निकल सकता था इस कारण वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। मंगलवार को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? मंगलवार का दिन हनुमान को समर्पित किया गया है। इस दिन राम भक्त हनुमान का पूजन किया जाता है और उनका व्रत किया जाता है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान सभी के कष्टों को खत्म कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि हिंदू धर्म के लोगों को मंगलवार के दिन मांस के सेवन से बचना चाहिए। मंगलवार को कई लोग हनुमान का पूजन करते हैं, इस कारण मांस का सेवन नहीं करते हैं। मांस के साथ दूध पीने से क्या हो सकता है? दूध पीने के साथ या उसके 2 से 3 घंटे के अंतराल में मांस मछली से दूर रहना चाहिए। मछली, चिकन और किसी भी प्रकार का मांस खाने के बाद दूध पीने से अपच और पेट दर्द की समस्या होती है। ये आपके पेट के लिए जहर बन जाता है। मछली की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार चिकन खाना ही मना किया जाता है। फिर भी अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन और दूध की तासीर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है और आयुर्वेद में 2 विरुद्ध आहार का साथ सेवन वर्जित है। 2 विरुद्ध आहार के एक साथ सेवन से विभिन्न तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। चिकन खाने के बाद दूध पीने से स्किन की बीमारी होती है। हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित क्यों है? हिंदू धर्म में मांस खाना वर्जित कहा है। जिस होटल में देखो 90% हिंदू मिलेंगे मांस खाते हुए। ये सब हिंदू धर्म को मानते हैं और पूजा कर्म कांड भी करते हैं, तो आपने कैसे जान लिया कि हिंदू धर्म में मांस वर्जित है? गाय का मांस वर्जित है, ये मान सकता हूँ, लेकिन बकरा और मुर्गा, मछली के मांस बड़े चाव से खाते हैं। मांस खाना सनातन धर्म में वर्जित है। सनातन धर्म में उच्च ज्ञानी और सात्विक विचार के लोग मानते हैं, उनके अनुसार किसी भी जीव का मांस खाना वर्जित है। हम हिंदू अपनी सुविधा के अनुसार सनातन धर्म का चोला पहन लेते हैं, बस यही गलती हो जाती है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन सनातन धर्म को लोग नहीं खाते। हिंदू धर्म में मांस खाना पाप क्यों है? हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जो मांस ना खाने के आदेश देते हैं। मांस खाने से वजन क्यों बढ़ जाता है? रेड मीट संभवतया उपलब्ध मांसपेशियों के निर्माण के सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों में से एक है। लाल मीट आहार क्रिएटिन के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो संभवतः दुनिया का सबसे अच्छा मांसपेशी निर्माण पूरक है। दोनों दुबला और वसायुक्त मांस प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। हालांकि वसायुक्त मांस अधिक कैलोरी प्रदान करता है, जो आपको वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। सभी लोग शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा? रिसर्च कहती है कि 2050 तक दुनिया शाकाहारी हो जाए तो हर साल होने वाली 70 लाख मौतें कम हो जाएंगी। असल में शाकाहार अपनाने से दिल की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज और स्ट्रोक समेत कई तरह के कैंसर के मामले भी कम हो जाएंगे। दावा है कि दुनिया की कुल कमाई के 2 से 3% के बराबर इलाज पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल फ्यूचर ऑफ फूड प्रोग्राम के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मांसाहार बंद होने से दुनिया में नुकसानदेह गैस कम हो जाएगी। ऐसा रेड मीट से छुटकारा मिलने से होगा, जिनसे नुकसानदेह मीथेन गैस निकलती है। मीथेन कम होने से जलवायु परिवर्तन का असर भी कम पड़ेगा।